मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एग्जाम हियर पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अनुच्छेद 370 है वह अनुच्छेद 335A है, ये क्या है। ठीक है, आजकल फ्रेंड्स ये जो अनुच्छेद 370 और जो 35A है बहुत चर्चा में है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स क्या है कि हमारा भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान भाग 21 में, ठीक है, भारत के संविधान के भाग 21 में जिसमें 369 to 392 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये 370वां मतलब जो अनुच्छेद 370 है वो भी भाग 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान का भाग 21 है वो क्या कहता है। भाग 21 का जो शीर्षक है वो है अस्थाई, संक्रमणशील और विशेष अधिकार। इसका मतलब क्या है कि इस भाग के अंदर जितने भी अनुच्छेद आते हैं ये अनुच्छेद अस्थाई है, मतलब इसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है। संक्रमणशील है मतलब क्या है कि कोई जो है मतलब टाइम पीरियड के लिए नहीं है। ठीक है, इसको किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं हम इन अनुच्छेदों को। और विशेष अधिकार मतलब भारत के जो राज्य हैं उनमें से भारत के जिन जिन राज्यों को जो जो विशेष अधिकार दिया गया है, ठीक है, ये उसकी बात करता है। तो अनुच्छेद 369 to 392 के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं वो क्या है, उन सभी राज्यों को विशेष अधिकार मिला हुआ है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 370 है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये 370 किससे रिलेटेड है, 370 जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर को जो विशेष अधिकार का दर्जा दिया गया था उस चीज़ से ये रिलेटेड है। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स जो 370 और 35A है इसके बारे में जानने से पहले हमें इसकी थोड़ी बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ फ्रेंड, जैसे हम सभी को पता है कि जो भारत है वो काफ़ी टाइम तक जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो उस टाइम के जो नेता थे, उस टाइम के जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। ठीक है, जब अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमें स्वतंत्रता मतलब हमें आज़ाद करने का सोचा था। ठीक है, तब उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, पर एक तो उस टाइम पर मुस्लिम लीग थी जो अपने लिए अलग मुसलमान जो है राष्ट्र का मतलब राष्ट्र के लिए मांग कर रहे थे। इसके अलावा उस टाइम पर जो भारत है इसमें 565 से भी अधिक छोटे छोटे रियासतों में जो हमारा भारत है वो बटा हुआ था। ठीक है, तो उन लोगों ने जो मतलब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, देने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है भारत और पाकिस्तान नाम के दो संप्रभु राज्य बना दिए। ठीक है, इसके अलावा जो 565 से अधिक उस टाइम पर जो रियासतें थी उनको ये अधिकार दे दिया गया। ठीक है, उन्होंने उन पर से भी अपना जो है मतलब जो शासन है वो समाप्त कर दिया था और उनको स्वतंत्रता दे दी गई थी कि या तो वे रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं या भारत में रह सकते हैं, भारत में अपना विलय कर सकते हैं या फिर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो जो उस टाइम पे जो राजा थे उन लोगों ने इसका जो है भयंकर मतलब निकालना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मतलब निकालना स्टार्ट कर दिया कि अगर 565 रियासतें हैं तो वो सारे राजा क्या चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो फ्रेंड्स अगर 565 जो राज्य हैं मतलब जो रियासतें हैं एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहती तो इसका मतलब क्या था। आज मैप में जो हमें भारत का नक्शा नज़र आता है, आज भारत का मैप ऐसा नहीं होता। ठीक है, भारत का जो मैप है आज संगठित है। तो ये कैसे है कि उस टाइम पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रियासतें थी, ठीक है, इन रियासतों के राजाओं को जो है मनाया, उनको समझाया, उनसे बातचीत करके जो है उनको भारत में विलय के लिए जो है समझाया। ठीक है, इसके अलावा जो 5 राज्य थे उन्होंने पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया और जो 3 राज्य थे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ठीक है, इन लोगों ने मतलब अभी भी अपना निर्णय नहीं लिया था। ठीक है, जो जूनागढ़ और हैदराबाद है इसमें तो सैनिक कार्यवाही करके इसको भारत में मिला लिया गया, बट जो जम्मू कश्मीर है इसमें क्या हुआ था, उस टाइम पीरियड में जम्मू कश्मीर में जो है राजा हरि सिंह का शासन था। तो जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने क्या किया,
उन्होंने जो है यथास्थिति, जो पाकिस्तान है और भारत है, इन दोनों से यथास्थिति मतलब समझौता करना चाहा। ठीक है, यथास्थिति का मतलब होता है कि जम्मू कश्मीर जैसा है वैसा ही रहे, तो ठीक है ये समझौता करना चाहा। ठीक है, पाकिस्तान ने तो इस समझौते को स्वीकार कर लिया, पर जो भारत है उसने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। देन क्या हुआ, देन जो पाकिस्तान है, धीरे धीरे पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर पर जो है पाकिस्तान में विलय के लिए दबाव डालने लगा। ठीक है, और इस दबाव के चलते उन्होंने क्या किया, 22 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ, जो मतलब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने, जो कबायली थे, उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर पर कई ओर से जो है आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। तो जो राजा हरि सिंह थे वो घबरा गए थे। ठीक है, वो घबरा गए थे, उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो भारत में विलय कर ले जम्मू कश्मीर का, या फिर जम्मू कश्मीर में जो आक्रमण हो रहा है उसको वो चुपचाप देखते रहे। तो क्या हुआ, जो हरि सिंह थे वो उन्होंने भारत से प्रार्थना की, उन्होंने भारत से प्रार्थना की कि जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत में कर लिया जाए। ठीक है, तो इसी के चलते 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू कश्मीर है उसका विलय कहाँ कर लिया गया, इसका विलय जो है भारत में कर लिया गया। फिर 27 अक्टूबर 1947 को जो भारतीय सेना है वो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानियों का मतलब जो कबायली थे उनका सामना करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 15 अगस्त को जो है भारत स्वतंत्र हो चुका था। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। फिर स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के टाइम पे ही जो भारत के जो नेता थे उन लोगों ने अपने लिए एक अलग संविधान, मतलब जो शासन व्यवस्था है भारत की उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अलग से जो संविधान है इसकी ज़रूरत महसूस की। तो उस टाइम पीरियड पे क्या चल रहा था, उस टाइम पीरियड पे संविधान के निर्माण का भी कार्य चल रहा था। तो ये जो जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है इसकी स्थिति, स्वतंत्र भारत में जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी हो, ठीक है, इस चीज़ को लेकर जो हरि सिंह है उस टाइम पे एक नेता थे जम्मू कश्मीर के, शेख अब्दुल्ला और नेहरू, ठीक है, इन तीनों के बीच जो है वार्ताएं हुई। फिर जो नेहरू जी है और जो शेख अब्दुल्ला है इनके बीच मतलब कई महीनों तक जो है जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर जो है बातचीत हुई थी। फिर इन बातचीत के परिणाम स्वरूप जो है एक अनुच्छेद आया, ठीक है, अनुच्छेद 306A। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो मतलब जो ये अल्फाबेट होते हैं, जो ये बड़ा करके लिखा जाता है, इसका मतलब है ये एड ऑन किए गए हैं। ठीक है, मूल संविधान में नहीं थे, ये एड ऑन किए गए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक अनुच्छेद 306A 13 अक्टूबर 1949 को जो है संविधान सभा के सामने रखा गया। ठीक है, तो और इस अनुच्छेद में क्या था, इस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य, ठीक है, एक विशेष राज्य देने का जो है प्रावधान किया गया था। पर ये जो प्रावधान था ये कुछ समय के लिए था। ठीक है, मतलब उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन को देखते हुए जो है ये प्रावधान किया गया था, जब सिचुएशन सही हो जाती तो इसको मतलब हटा दिया जाना था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि 17 अक्टूबर कुछ लोगों ने इस अनुच्छेद का विरोध किया। ठीक है, विरोधों के बावजूद भी जब इसका समाधान निकला, ठीक है, जब सबको इनके आंसर मिल गए, देन संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को जो है इस अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये जो 306A है यही अनुच्छेद बाद में जाके क्या कहलाया, यही अनुच्छेद बाद में जाके अनुच्छेद 370 कहलाया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 370 क्या है और वो कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो अनुच्छेद 370 है इसके अंदर क्या है। ठीक है, और जो ये 35A है ये कहाँ से आया। ठीक है, तो फ्रेंड जो ये अनुच्छेद 370 है इसके अंतर्गत जो है तीन सब क्लॉजेज हैं। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 370 का जो सब क्लॉज 1 है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारी तीनों सूचियां हैं, ठीक है, जो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ठीक है, तो ये जो सूची है इसमें से जो संघ सूची और जो समवर्ती सूची है, ठीक है, तो इस विषय पर, संघ सूची और समवर्ती सूची
के विषय पर अगर संसद कोई कानून बनाती है, वो कानून पूरे राज्य में, मतलब भारत में जितने भी स्टेट है उनमें तो लागू होंगे, पर जो जम्मू कश्मीर है उसमें ये कानून तभी लागू होंगे जब राष्ट्रपति है जम्मू कश्मीर की सरकार से जो है इस बारे में बात करे, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श पर ही कोई भी कानून, संसद द्वारा बनाया गया जो कानून है संघ और संवर्ती सूची से रिलेटेड, वो कानून वहाँ की सरकार से परामर्श के बाद ही वहाँ पर लागू होगी, ठीक है। इसके बाद 370(1) क्या कहता है, ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रपति है, अगर उनको लगता है कि उनको जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से कानून बनाना चाहिए, ठीक है, तो वो जनादेश द्वारा कानून बना सकते हैं, ठीक है। 370(2) ये क्या कहता है फ्रेंड, जैसे कि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर है वहाँ का अपना खुद का जो है झंडा है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए किसने बनाया था, संविधान सभा ने ही बनाया था। तो जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है उसके बारे में बताया गया है, जो 370(2) है उसमें जम्मू कश्मीर का जो संविधान सभा है उसके बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब 370(3), ठीक है, 370(3) इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि ये जो अनुच्छेद 370 है, ठीक है, इस अनुच्छेद 370 को जो राष्ट्रपति है, मतलब जो भारत के राष्ट्रपति है, वो एक जनादेश द्वारा जो भारत के राष्ट्रपति है वो एक जनादेश द्वारा, ठीक है, जनादेश द्वारा और संविधान सभा, ये जो संविधान सभा है इससे परामर्श कर जो है इस अनुच्छेद को पूरी तरह से हटा सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो 370 हटा है वो इसी के अंतर्गत, ठीक है, जो 370 का सब क्लॉज जो 3 है इसके अंतर्गत ही ये हटा है, ठीक है। हाँ, इसमें एक जो लोग विवाद उठा रहे हैं इस चीज़ को लेके, वो इस बात पे विवाद उठा रहे हैं कि जो ये संविधान सभा है जम्मू कश्मीर की, ये जो संविधान सभा है ये बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे कोई संविधान सभा नहीं है, तो विवाद का मुद्दा ये है कि अगर कोई वहाँ पे संविधान सभा नहीं है तो राष्ट्रपति जनादेश द्वारा जो है बिना संविधान सभा से परामर्श किए कैसे हटा सकते हैं 370 को, ठीक है। तो विवाद जो है इस बात को लेकर है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 35(a) क्या है फ्रेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 370(1) सब क्लॉसेस में, इसमें मैंने क्या बताया था कि राष्ट्रपति अगर चाहे, ठीक है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए उन्हें एक कानून बनाना चाहिए तो वो बना सकते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी के अंतर्गत जो है एक कानून बनाया। क्या बनाया, 14 मई 1954 को, 14 मई 1954 को 335(a) लाया गया। कौन लेके आया था, जो राजेंद्र प्रसाद जी है वो लेके आए थे 335(a) जम्मू कश्मीर के लिए, सॉरी 335 नहीं 35(a) जम्मू कश्मीर के लिए। अब 35(a) क्या है फ्रेंड्स, जो ये 35(a) है ये जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी, कौन जम्मू कश्मीर के जो नागरिक है स्थायी निवासी है, इस चीज़ को जो है परिभाषित करते हैं, करता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी देख लें, ये जो 35(a) है इसका उल्लेख हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो परिशिष्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो परिशिष्ट है ये अनुच्छेदों के साथ नहीं बल्कि ये परिशिष्टों में मिलेगा, ठीक है। अब ये जो 35(a) है ये क्या कहता है, जो अनुच्छेद 35(a) है ये क्या कहता है, इसके अंतर्गत 14 मई 1954 से पहले जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते थे, इससे पहले से जो लोग रहते आए थे वही लोग जम्मू कश्मीर के निवासी होंगे, इसके अलावा कोई अन्य जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो 35(a) है इसी के अंतर्गत ये प्रावधान था कि भारत राज्य का अन्य कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की कोई लड़की अगर भारत के अन्य राज्य में से किसी भी राज्य के किसी भी लड़के के साथ शादी करती है
तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड उसके जो कानूनी अधिकार थे, जो संपत्ति के अधिकार थे, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 35A। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स इसी 370 धारा को, मतलब अनुच्छेद जो 370 है, इसी को हटाया गया है। ठीक है, क्योंकि जो जो 35A है वो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत ही था। ठीक है, इसी वजह से 370 अनुच्छेद हट गया, तो ये जो 35A है ये अपने आप ही हट गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A क्या है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग है, ठीक है, अगर आपको, मैं जो ब्लॉग है उसमें भी मैंने यही चीज़ बताई हुई है। ठीक है, अगर आपको एज ए नोट्स उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो जो मेरा ब्लॉग है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से मेरे उस ब्लॉग को देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।